हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड करंटली राइट नाउ आई एम इन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और ये हमारी जो नॉर्थ ईस्ट 2.0 की सीरीज है, आज हम जर्नी करने वाले फ्रॉम गुवाहाटी टू अगरतला, बट इन 15615 गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस में, क्योंकि काफ़ी लोग इस ट्रेन में ब्लॉग लाने के लिए बोल रहे थे। ऑलरेडी मैंने तिनसुकिया टू सिलचर बराक वैली वाले में किया था, तो फाइनली इसमें भी करूँगा। तो यहाँ से बदरपुर तक जाऊँगा, देन बदरपुर से अगरतला। तो येस ऑब्वियसली नाउ फ्रॉम असम टू त्रिपुरा। वैसे आज है 1st of June एंड आई गेस मेरे ख्याल से गुवाहाटी NJP वंदे भारत का ब्लॉग मेरे ख्याल से ऑलरेडी आ चुका होगा चैनल पे। आप उसको चेकआउट ज़रूर करना, कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप देखोगे तो कुछ मैंने वहाँ पे चैलेंज दिया, उसको अगर एक्सेप्ट किया तो मैं क्या पता और भी इंटरेस्टिंग वाला बना सकता हूँ। तो वो ब्लॉग ज़रूर चेकआउट करना। सो करेंटली द टाइम इज़ 7 PM इन द इवनिंग, और हमारी जो ट्रेन है वो है 11:55 रात की। देखो यहाँ से दो ट्रेन चलती है सिलचार के लिए, एक शाम को 15611 5:30 बजे और रात को 15615। तो अगर आप देखोगे येस वंस अगेन मैं उस तरफ जाने वाला हूँ, तो डेफिनेटली ये ब्लॉग मिस मत करना, क्योंकि लामडिंग क्रॉस होने के बाद लामडिंग टू बदरपुर सेक्शन एज यू नो दैट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल हिल स्टेशंस हो गया, मतलब घाट सेक्शन वहाँ पे है। तो इस बार ब्लॉग में आपको आने वाले थोड़े टाइम में अभी देखने को मिलने वाला, तो उसके लिए स्टे ट्यून जरूर रहना। और यस ऑब्वियसली आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो ब्लॉग अगर पसंद आए तो डू लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मेहनत कर रहा हूँ। सो गुवाहाटी स्टेशन का बाहर से नज़ारा देखो, क्या अमेजिंग दिख रहा है। शाम का टाइम में वो रहा फाउंटेन, एंड इधर तो यस ऑब्वियसली काफ़ी अमेजिंग है, वेदर भी काफ़ी अमेजिंग है आज। सो गाइस दिस इज़ आवर ट्रेन राइट बिहाइंड मी, बट स्टिल डोर्स हैज नॉट बीन ओपन। और अभी करेंटली द टाइम इज 10:10 इन द नाइट, तो 11:55 की है। मोस्ट प्रोबेबली अगले एक घंटे में शायद यहाँ पे डोर्स ओपन हो जाएंगे। 11:30 इन द नाइट, और अपनी ट्रेन की अगर आप देखोगे तो अभी फाइनली दरवाजे और लाइट्स हो चुके हैं ओपन। दरवाजे तो पहले ओपन थे लेकिन अभी लाइट्स ओपन हुए। फिर अब 11:55 को हम यहाँ से निकलेंगे, और श्रीलंका होते हुए कल सुबह ये 3:30 को लामडिंग पहुँचेगी, तो मेरे ख्याल से वहीं से कंटिन्यू करेंगे। रात को क्या ही दिखाएंगे, क्योंकि कल अमेजिंग नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। अगर बारिश का मौसम होता है, खैर अभी बारिश का तो मौसम है, बट अगर बारिश भी आता तो वो जो सीन आपको देखने को मिलता वो नेक्स्ट लेवल होता। खैर कोई नहीं, अब देखते हैं, बारिश जाए तो सही रहेगा। तो मिलते हैं मेरे ख्याल से कल आपसे यहाँ पे डायरेक्टली लामडिंग या फिर कहीं और पे। Thank you.
गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 2 इन 15615 एंड वी हैव रीच्ड नाउ न्यू हाफलोंग। करंटली द टाइम इज 7:50 इन द मॉर्निंग। लामडिंग के बाद ये हर एक स्टेशन पे रुकी और टिल बदरपुर तक यही है, ये ट्रेन लामडिंग टू बदरपुर तक जितने भी स्टेशन आते हैं वो सभी पे रुक जाती है। तो खैर, सो फार जर्नी इज क्वाइट गुड। आई नो कि मतलब ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, बट ये सो ऑब्वियसली रात को हम 12 बजे निकले थे तो 6:30 को मेरी आँख खुल गई थी, बट मैंने सोचा कि हाफ लॉन्ग से ही कंटिन्यू करूँ। तो अगर आप देखोगे ये सो ऑब्वियसली अभी यहाँ से बदरपुर और 2-3 घंटा लगने वाला है। और हाफ लॉन्ग स्टेशन की ब्यूटी के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्या अमेजिंग है ये। इसके बाद बदरपुर तक और अमेजिंग व्यूज़ आने वाले। और बाय द वे, इसको अगर आप देखोगे ये बराक वैली डिवीज़न कहा जाता है एंड हाफ लॉन्ग इज़ द ओनली हिल स्टेशन ऑफ आसाम। ये सिर्फ एक ही लोता हिल स्टेशन है। अगर इस रूट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, अगर आप देखोगे गुवाहाटी से बदरपुर तक टूरिस्ट ट्रेन चलती है, उसको उसमें विस्टाडोम में जर्नी करना मस्त लगेगा। इनफैक्ट जब बारिश देगी तब तो और अमेजिंग। सो इस बार तो मेरी जर्नी उस ट्रेन में नहीं हो पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कोशिश करूँगा एक बार मानसून के टाइम में उस ट्रेन में जर्नी करने की। बाकी स्टेशन पे आपको फल फूल खाने पीने की सामान वगैरह सब कुछ मिल जा रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यस ऑब्वियसली यहाँ पे 5 मिनट्स का होल्ट है। तो गाइस अभी हम पहुंचे न्यू हरागंजा और स्टेशन देखो भाई क्या अमेजिंग जगह पे सिचुएटेड है। यहाँ के रूट के मतलब सारे स्टेशन ऐसे ही है, काफ़ी अमेजिंग है। इन द मॉर्निंग गाइस एंड वी हैव रीच्ड बदरपुर। तो बदरपुर पहुंच चुके और अपनी जर्नी भी यहीं तक है इस 15615 सिलचर एक्सप्रेस में। अब ये जाएगी सिलचर, मैं ऑलरेडी सिलचर गया हूँ तो मुझे अगरतला जाना है, तो इसलिए अब यहाँ से मैं नेक्स्ट ट्रेन लेके अगरतला जाने वाला हूँ। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द ब्लॉग। ब्लॉग अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन एज ऑलवेज स्टे सेफ स्टे हैप्पी।